सवाल है कि आखिर भीम आर्मी खड़ी किसके साथ है। और ये एक समाज है पूरा बहुजन समाज, जो बहुजन समाज के लोग कौन कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, हम सब लोगों से पूछ रहे हैं क्या चाहते हैं। और हम प्रयास करेंगे किसी भी तरह से उन तानाशाह लोगों को जो सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, गरीब लोगों को, निर्दोष लोगों को और सामाजिक भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उसके लिए हमें लेकिन हाँ उनके लिए वो है कि उनको बिल्कुल सत्ता से बाहर करने का प्रयास राजनीति में कदम रखें। चुनाव और राजनीति में समाज के लिए नहीं करते, समाज के लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं किसी कुर्सी की इच्छा नहीं रखता, मैं कभी रखता नहीं था, लेकिन मैं उन कुर्सियों पे ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो वास्तविकता में समाज क्रांतिकारी जय भीम गोविंद भाई को, क्योंकि आरक्षण से लेकर सब चीजें हैं हमारे पास, लेकिन वो आरक्षण से हमें तो मिला उसे तो पूरी हो रही है, लेकिन वास्तविक पर नहीं जीता। मैं वो लोग चाहता हूँ जैसा एक भी व्यक्ति वहाँ हो, वास्तविकता में ईमानदार हो, विषमता व्यक्तियों को अपनी आवाज और सुनना पड़ेगा। ये मान के चला जाए कि 2019 में तो कम से कम चंद्रशेखर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। हाँ 2019 में मेरा कोई मन नहीं है, बिल्कुल चुनाव के बता दिया हमारा एक भी व्यक्ति बाकी वोट नहीं करेगा। मैं सब लोग निवेदन कर रहा हूँ, जब भी सरकार को थाना से सरकार को तो जिला भाईचारे को खत्म कर दिया, इसका तो इलाज ही करता। लेकिन जो आपका वोट बैंक है वो हमेशा से परंपरागत तौर पर बसपा का वोट बैंक माना गया है, मायावती का वोट बैंक है, तो लगता है इस वोट बैंक को आप किसी और डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं, इसका सीधा नुकसान होगा समाज पार्टी को। मैं कल सवाल करने क्यों सही नहीं कह रहा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। और इसलिए क्योंकि वो मेरी बुआ जी, मेरे वो समाज से अच्छे समाज BSP की रही बात, जो लोग काम करेंगे उनको हक है कि वोट वोट लेने का। अगर कोई आप हमारे ऊपर पैराशूट पहले से उतार देंगे ऑनलाइन सभी सम्मानित साथियों क्रांतिकारी जी उन्होंने बहुत काम लेकिन अगर मेरे लोगों के पे जिस समाज से मैं आता हूँ या बहुजन मूवमेंट को जिसको फॉलो करता है, काशीराम जी का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, अगर उस पर वार होगा उसका उसका सम्मान नहीं रखा जाएगा, जो लोग काम करें उनके साथ छेड़खानी होगी, उनको उनको उनका सम्मान जाएगा, फिर मुझे उनके साथ भी हो सकता है मेरे बारे में, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई बोझ नहीं, ये उन मुद्दे पर होगा जो मुद्दे जरूरी है, जिसकी जरूरत है, जमीनी मुद्दे उन पर मेरी बात उनसे लगातार चलती है। अच्छा 2019 की बात करें, महागठबंधन की बात हो रही है यूपी में, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कैराना में इसकी तस्वीर हमें देखने को भी मिली है, महागठबंधन होता है हमारा एक बच्चा भी जो है महागठबंधन के लिए काम कर रहा है, प्रयास करेंगे महागठबंधन शेर जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हरिंदर भाई जिंदाबाद, हम लोग महागठबंधन प्रयास करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चंद्रशेखर रावण का क्या पैगाम? सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है मुक्ति मांगे पड़ते हैं, तो उन्होंने अपना समय बचा लिया, वो बुद्धिजीवी में उनका उन्होंने अपना समय बचा लिया। मेरा नंबर है, मैं प्रयास करूंगा।
कैसे काम भाई मांगने का काम बोलेगा।